देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज पर त्रिविंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। त्रिविंद्र रावत ने कहा कि युवाओं पर 9 फरवरी को हुए लाठीचार्ज की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। त्रिविंद्र सिंह रावत ने यह कहा कि युवाओं पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। इसका जो रात का लाठीचार्ज था, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांग सकता हूँ तमाम युवाओं से, तमाम बेरोजगारों से, उनके अभिभावकों से, जिनको उससे चोट पहुंची है। मैं राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यही मैं कह सकता हूँ, वो नहीं होना चाहिए था, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। बड़ी खबर देहरादून से, भाजपा नेताओं को जल्द मिल सकते हैं दायित्व। खबर मिल रही है होली से पहले हो सकता है दायित्वों का बंटवारा। भाजपा संगठन की तरफ से फाइनल लिस्ट तैयार कर दी गई है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की हरी झंडी मिलते ही इसे साझा कर दिया जाएगा, इसी का इंतजार है। दायित्व की सूची लगभग फाइनल है, हमारे प्रदेश के प्रभारी आ जाएंगे, एक बार उनसे थोड़ा अनौपचारिक बातचीत के बाद माननीय मुख्यमंत्री को भेज देंगे। मुझे लगता है होली तक हो जाना चाहिए कुछ न कुछ। उत्तराखंड में 20 फरवरी तक एवलांच का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चबोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में एवलांच का खतरा है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आपदा प्रबंधन विभाग प्रशासन अलर्ट है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 5 जिलों में 20 फरवरी तक एवलांच आने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच आ सकता है, यानी कि हिमस्खलन होने से ग्लेशियर पिघल सकते हैं, यहां तक कि ग्लेशियर टूटने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ऐसे में दिक्कतें ज्यादा बढ़ सकती हैं, मैदानी इलाकों में भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि ग्लेशियर के अगर टूटते हैं तो नदियों का जलस्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। अचानक से फरवरी महीने में मौसम विभाग के इस अलर्ट ने सबकी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि दिक्कतें ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। अभी पहाड़ों पर तापमान की बात करें तो सामान्य से 10 से 12 डिग्री ज्यादा चल रहा है, और यही वजह है कि अभी एवलांच आने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ग्लेशियर पिघल सकते हैं, ग्लेशियर टूट सकते हैं, ऐसे में आपदा प्रबंधन तंत्र SDRF और NDRF को भी अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों से भी एहतियात बरतने की बात मौसम विभाग ने की है। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।